हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होने जा रहे दूसरे T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच साउथ अफ्रीका की टीम के लिए डिसाइडर मैच होने वाला है। अगर ये मुकाबला हारे ना तो पूरी श्रृंखला हार जाएंगे और अपने कारनामा जो उनके पास जो रिकॉर्ड बना हुआ है उसको भी वो तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है कि उन्होंने एक भी सीरीज भारत के सामने कभी नहीं हारी है। भारत में आकर मतलब एक भी सीरीज ना हारना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत वाली बात होती है, एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ऐसी एकमात्र साउथ अफ्रीका की टीम है, लेकिन आज अगर मुकाबला हारे तो वो रिकॉर्ड जनाब टूट जाएगा। तो बात करते हैं आज की मैच की, क्या रह सकती है प्लेइंग 11, क्या चेंज हो सकते हैं, कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त होगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अब चलते सीधे वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का जो मैच है ये आपको 2 अक्टूबर यानी कि आज होता हुआ दिख जाएगा। ये आपको लाइव होता हुआ दिखेगा 7 बजे से और 6:30 बजे आपको इसका टॉस होता हुआ दिख जाएगा शाम को। और अब जानते हैं दोस्तों ये मैच होने कहां जा रहा है। तो दोस्तों ये मैच गुवाहाटी शहर में बरसपरा स्टेडियम में होने जा रहा है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। दोस्तों सबसे पहले भारतीय टीम की बात करेंगे तो भारतीय टीम में यहां पर बदलाव होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक बदलाव जरूर से हो सकता है जो कि है मोहम्मद सिराज का। अब मोहम्मद सिराज को जल्दी से इंक्लूड अगर स्क्वाड में किया गया है क्योंकि जसप्रीत बुमराह हो चुके हैं बाहर, तो ऐसे में दोस्तों टीम चाहेगी मोहम्मद सिराज को खिलाना लेकिन खिला नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर दीपक चाह रहे हैं पेसर के तौर पर, अर्शदीप से हैं और हर्षल पटेल हैं। और मज़ेदार बात यह है कि आप तीनों को ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हर्षल पटेल भी अभी अंडर कुक्ड लग रहे हैं और अर्शदीप तो वैसे ही अंडर कुक्ड जो है डेथ में होने वाले हैं और हमने इतना ज़्यादा देखा भी नहीं है। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में पावर प्ले में तो एक ही ओवर में 3 विकेट चटका दिए थे, लेकिन फिर 19वें ओवर में आकर मार भी खूब खाई थी और अच्छा खासा जो उनका इकोनॉमी रेट चल रहा था वो एकदम आसमान पर पहुँच गया था। तो ऐसे में तीनों पेसरों को ट्राई करने के मंसूबे के साथ भारतीय टीम उतरने वाली है, तो ऐसे में मोहम्मद सिराज का खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब बात करते हैं क्या और कोई चेंजेस हो सकता है। तो पर्सनली मैं चाहता हूं कि यहां पर शहबाज अहमद को खिलाया जाए ऋषभ पंत की जगह, वो आपको एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का विकल्प भी देंगे और बॉलिंग भी करके देंगे। तो मेरे हिसाब से और जो आपकी जो गुत्थी है वो आप 5 बॉलरों के साथ उतर रहे हो वो आपको नहीं उतरना पड़ेगा क्योंकि आपके पास शहबाज के तौर पर एक ऑलराउंडर यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा मानना यह है अब टीम तो ऋषभ पंत को ही खिलाएगी, तो टीम की मानेंगे तो ऋषभ पंत ही आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। अब साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें और ज़्यादा हैं भारतीय टीम से। वो क्यों? क्योंकि इनकी जो मेन मुश्किल है वो कप्तान। ये वैसी एक पहली टीम है जिसकी मुश्किल ही कप्तान है, जहाँ पर कप्तान ही तो एक नंबर करते हैं टेम्बा बाउमा, लेकिन बल्लेबाजी एक ऐसे क्रम है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस करते रहते हैं। अब यहाँ पर T20 फॉर्मेट तो इनको सूट नहीं करता है, फिर भी खेलते हैं और जाने क्यों खेलते हैं हम सबको नहीं पता और आपको फिर से खेलते हुए दिख जाएंगे। और एक बहुत बेहतरीन प्लेयर रीज़ा हेंड्रिक्स जो कि इतने ज़्यादा रन बना के आ रहा है वो आपको बाहर बैठा हुआ दिख जाएगा। अगर उन रीज़ा हेंड्रिक्स को खिलाना तो फिर रायली रूसो बाहर बैठ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सीधी सिंपल बात है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्विंटन डीकॉक को कप्तानी दी जाए और फिर रीज़ा हेंड्रिक्स को जो है टीम में इंक्लूड किया जाए। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका का मैनेजमेंट चाहता है कि टेम्बा बाउमा कप्तान है तो कप्तान ही रहें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको टेम्बा बाउमा ओपन ही करते हुए देखेंगे। दूसरा यहाँ पर चेंजेस हो सकता है और ये मेजर चेंजेस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है कि ट्रस्टन स्टब को बाहर बिठाकर यहाँ पर ड्वेन पिटोरियस को खिलाया जा सकता है या फिर हेनरिक क्लासन को खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रस्टन स्टब की जो है प्लेस पर थोड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले जो है 5 पारियों में 3 डक बना चुके हैं, 3 गोल्डन डक बना चुके हैं जनाब ये, तो यहाँ पर उनकी प्लेस को लेकर तो खतरा है। और देखते हैं क्या पिटोरियस को खिलाया जाएगा या फिर हेनरिक क्लासन को खिलाया जाएगा या फिर ट्रस्टन स्टब के साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस दोनों ही टीमों के लग रहे हैं। अब आप बताइए दोनों टीमों को ऑन एंड कंपैरिजन करें तो कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी लगा। तो अब आप अपने हिसाब से बताइए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।